अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज है तारीख 19 जुलाई और कल हम नारान पहुँचे थे और अब हम नारान से आगे की जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो फ़िलहाल हमें, चूँकि हम थक गए थे कल, तो थोड़ी लेट हो गए हम। इस वक्त 10 बज रहे हैं और मेरा जो रूम है उसके बाहर बिल्कुल दरियाए कुनार बह रहा है और साथ ही नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल मैं रूम से आपको अपना दरियाए कुनार बहता हुआ दिखाता हूँ। और इसका शोर कितना है, इसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये मैं इस वक्त होटल से नीचे आ गई हूँ और अब मैं आपको अपने होटल का नज़ारा दिखाती हूँ जो बाहर से दिखती है। ऊँचे ऊँचे सरसब्ज पहाड़ और नीचे बहता पानी, सुभान अल्लाह। और इस वक्त हम 10:40 हो रहे हैं, निकल पड़े हैं बाबूसर टॉप के लिए और उसके रास्ते में आएगा मून रेस्टोरेंट, वहाँ से हम नाश्ता करेंगे। स्टॉप आता है जहाँ पे लोग रुकते हैं और खाना पीना करते हैं और नाइट स्टे करते हैं, वो बट्टाकुंडी है। ये हम आ गए हैं मेन बट्टाकुंडी के बाज़ार में और यहाँ पे होटल्स ही होटल्स हैं। और अगर किसी ने मुनासिब रेट में, अगर नारान में बहुत महंगे हैं तो यहाँ पे बहुत मुनासिब रेट में मिल जाते हैं, मोस्टली लोग यहाँ पर स्टे करना प्रेफर करते हैं। नारान से बाबूसर के रास्ते जाने में बहुत सारे वाटरफॉल्स आते हैं और बहुत सारे ग्लेशियर्स आते हैं। अभी हम 2-3 वाटरफॉल्स को गुजार चुके हैं, ये वाटरफॉल हमें बहुत अच्छा लगा तो हम यहाँ रुके हैं थोड़ा सा मूवी वगैरह शूट करने के लिए और पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं। बेसर में मून रेस्टोरेंट आए, ये यहाँ का बहुत मशहूर होटल है और यहाँ भी जो लोग बाबूसर जाते हैं वो यहाँ पे स्टे करते हुए खाना वगैरह खा के जाते हैं। लेट्स गो एंड ईट समथिंग, आई एम वेरी हंग्री। हमने यहाँ पे हलवा पूरी, नान और बोंग पाए मंगवाए। हलवा आ गया, पूरी अभी आएगी और मुझसे अब सबर नहीं हो रहा इसलिए मैं खाना शुरू कर रही हूँ। फाइनली इन रिकॉर्ड टाइम 45 मिनट्स में हम मून रेस्टोरेंट से 17 किलोमीटर ट्रैवल करके हम बाबूसर टॉप पहुँच गए हैं और थॉरली नारान से लेकर यहाँ तक गाड़ी में लाई हूँ और बहुत मज़ा आया। और पहाड़ों पे चलाना बहुत मुश्किल है कार, लेकिन अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो यकीन जाने सीधी सड़क से ज़्यादा मज़ा गाड़ी का ना पहाड़ों पे चलाने का। और सबसे ज़्यादा कमाल माशाल्लाह से मैं ये कहूँगी VXL का, ऑल्टो VXL जीत गई। इसने इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ा है, कोस्टर्स को पीछे छोड़ा है, ट्यूसन को पीछे छोड़ा है, करोला सिटी, जो आप सोच सकते हैं इसने उन सबको पीछे छोड़। ये बाबूसर टॉप है 13,700 फुट। आज तक मैं खुद इतने ऊपर कभी नहीं आई। लोग कहते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है किसी को, फिलहाल ऐसा मुझे तो कोई फील नहीं हुआ। मैंने बहुत सुना था, पर बहुत खुली फिर है और बहुत आराम से हम सांस ले रहे हैं, बहुत फ्रेश है यहाँ पे
और यहाँ आपको खाने पीने के अलावा वॉशरूम जो है लोगों के प्राइवेट हैं और उसके चार्जेस उन्होंने रखे हुए हैं 50 रुपीज़। बट इतनी हाइट पे जहाँ पे कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट ने नहीं प्रोवाइड की है, सारे प्राइवेट लोगों ने की है, तो उनका बनता है कि उनको इतने पैसे दिए जाए। एटलीस्ट आपको फैसिलिटी तो मिली हुई है। तो अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारा, तो बहुत फ्रेश एयर है। मौसम की बात करूँ तो इस वक्त तो ऐसा है कि मुझे ना इसमें कोई ठंड लग रही है, ना ही कोई गर्मी लग रही है। 22-23 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है और लोगों ने स्वेटर जैकेट पहनी हुई है, बट मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा रश से हट के आई हूँ, मुझे रश पसंद नहीं होता। तो ये मेरे नीचे आप सड़क देख रहे हैं, ये जाती है यहाँ से या बाबूसर टॉप से, अब ये नीचे की तरफ से होते हुए जाएगी गिलगित इसकरदू की तरफ, अब ये सड़क निकलती है। और रास्ता ऐसा है कि मैंने रास्ते में बहुत सारे औरतों, बच्चों और इनफैक्ट के मर्दों को उल्टियां करते हुए देखा है। तो आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा कोई फीलिंग कुछ भी नहीं आई। आप घूमने निकले हैं तो आप ये सोच के निकले कि बस घूमना है और इन्जॉय करना है, तो मेरे ख्याल से इस तरफ दिमाग ही नहीं जाता। तो नज़ारे देखें, इतना फोकस नहीं करें कि सर्कल आ रहे हैं और ये वो, तो आप ईज़िली यहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये लोग बाबूसर टॉप, ये ग्लेशियर है, यहाँ पर लोग गए हुए हैं और वहाँ अपनी पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे हैं। और ये जो नीचे आपको सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है, ये बल खाती हुई, ये देखें आप, ये बल खाती हुई सड़क ये जा रही है गिलगित की तरफ। और वो एक नीचे लेक भी है, मुझे नहीं आइडिया कि इस लेक का नाम क्या है, पर बहुत खूबसूरत है। इस वक्त हम बाबूसर टॉप से पहुंच चुके हैं वापस लूलूसर लेक की तरफ और बहुत ही खूबसूरत ये लेक है। और इसी लेक से जो है दरियाए गुनार का पानी निकलता है, जो कि 167 किलोमीटर पूरे केपी के बिछाया हुआ है और बहुत खूबसूरत झील है। और इस झील का जैसा पानी आपको कैमरे में दिख रहा है, ये बिल्कुल रियल में वैसा ही है, एक्वा ग्रीन कलर है और बहुत खूबसूरत है। नारान से बाबूसर टॉप जाते हुए जो मेन पॉइंट्स पहले आते हैं वो है रिवर राफ्टिंग और ज़िपलाइन, और उसके बाद आता है लूलूसर लेक, और उसके बाद आता है बाबूसर टॉप। लेकिन हमने पहले ये डिसाइड किया था कि हम नारान से सीधा बाबूसर टॉप जाएंगे और फिर वापसी में लूलूसर लेक रुकते हुए ज़िप लाइन और रिवर राफ्टिंग करते हुए सीधा होटल आ जाएंगे, क्योंकि जब आप रिवर राफ्टिंग करते हैं तो पूरे भीग जाते हैं, तो उसके बाद आप सफ़र करके आगे जाएँ तो आपको ठंड लगेगी और आप यकीनन गीले रहेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप ये चीज़ आखिर में करें। तो हमने ये चीज़ आखिर में की। ज़िप लाइन का ये मार्का मैंने भी सर अंजाम दिया और यकीन जाने बहुत मज़ा आया। लेकिन ज़िप लाइन मैक्सिमम 70 kgs तक के लोग कर सकते हैं, इससे अपर लिमिट को वो ज़िप लाइन नहीं करने देते। ज़िप लाइन हो गई है और अब हम रेडी हो गए हैं राफ्टिंग के लिए। 500 पर पर्सन लिया है उन्होंने और 2 किलोमीटर तक ये राफ्टिंग चलेगी। ये तैयार कर रहे हैं और बाकी तैयार हो गए हैं और अब कैप पहनना पड़ता है। हम इस वक्त भीग चुके हैं क्योंकि हमने इस वक्त रिवर में जो राफ्टिंग है उसे चूज़ किया था कि ब्रेक पी गए हम, बहुत मज़ा आया। एडवेंचर ना हो तो फिर कोई मजा नहीं है। आप पैटर्न करें, आप मैं और आप पैटर्न करेंगे, वो तस्वीर बनाए बने चले। ये अभी अर्मी चप्पू चला रही है और अर्मी को आप राफ्टिंग आ गई और ये हम इस कोले खाने शुरू हो गए। राफ्टिंग पॉइंट से वापस आ गए हम और इस वक्त मैं अपने होटल के सामने जो दरिया बहता है उधर थोड़ी देर रुक के फिर चेंज वगैरह करके जाके नारान बाजार में खाना वगैरह खाएंगे। नारान पार्ट टू में हमने बाबूसर टॉप लूलूसर लेक वगैरह देखी। होप यू एंजॉयड इट अलॉट, मुझे कमेंट्स बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।